बरसों से लोकपाल बिल धूल खा रहा है। क्या प्रधानमंत्री कानून के ऊपर है? अगर प्रधानमंत्री के ऊपर आरोप लगेंगे, अगर प्रधानमंत्री से किसी को शिकायत हो, वो कहां जाए, किसका दरवाजा खटखटाए? बरसों तक इसी बात पर चर्चा होती रही कि लोकपाल की परिधि में प्रधानमंत्री आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। ये ठीक है कि उस दिन नरसिंह राव जी ने कहा था, तो मैंने कहा था कि मैंने क्लियरेंस दे दिया, प्रधानमंत्री का आप समावेश कर लें, लेकिन मैंने पूछा बिल कहां है, बिल नहीं आया। और मामलों पर अध्यादेश, सदन स्थगित होने के बाद और मामलों पर अध्यादेश जारी करने के लिए यह सरकार तैयार हो गई, ऐसे मामलों पर जिनका संबंध वोट बढ़ाने से था, वोट बैंक की राजनीति। इस मामले में नहीं, इस मामले में भी अध्यादेश लाया जा सकता। उस दिन मेरे मित्र इस बात की शिकायत कर रहे थे कि अदालतें बहुत ज्यादा हस्तक्षेप कर रही हैं, शायद कॉमरेड इंद्रजीत गुप्ता थे, जुडिशियल एक्टिविज्म। अगर पार्लियामेंट अपना काम न करे और एग्जीक्यूटिव फैसले न करे, मामले को लटकाए, और जब प्रधानमंत्री से पूछा जाए कि आप निर्णय क्यों नहीं करते, तो उनका उत्तर यह हो कि निर्णय न करना भी एक निर्णय है। मैं समाचार पत्रों में जो कुछ छपा है उसके आधार पर कह रहा हूं, अगर वो ठीक नहीं छपा तो नरसिंह राव जी उसे ठीक कर देंगे। निर्णय न लेना भी एक निर्णय है। अब ये कर्मयोग की स्थिति कैसे देश चलेगा? लेकिन निर्णय नहीं लिए गए। कभी कभी तो सरकार इस बात की प्रतीक्षा में रही कि निर्णय टाल दो, नए विवाद खड़े होंगे, तो झंझट मोल लेना क्या ठीक है, कोर्ट फैसला कर देना। अब कोर्ट ऐसे मामलों में भी फैसला करने लगा है जो एग्जीक्यूटिव के मामले हैं, जो संसद द्वारा तय होना चाहिए।